हरियाणा की सुपर वीआईपी सीटों में एलनाबाद का नाम भी शामिल है। एलनाबाद सीट पर इस बार प्रदेश का सबसे बड़ा उलटफेर हुआ, क्योंकि यहां पर अभय सिंह चौटाला चुनाव हार गए। अभय सिंह चौटाला का ये अवैध गढ़ था और ये गढ़ टूटने के साथ ही अभय सिंह चौटाला की सियासत पर सवालिया निशान लग गया है। वैसे 2024 के एलनाबाद के चुनाव में पहले से ही उलटफेर की आशंका थी, संभावना थी, क्योंकि बीजेपी की तरफ से कप्तान मीनू बेनीवाल ने जबरदस्त फील्डिंग लगा रखी थी, लेकिन बीजेपी ने कप्तान मीनू बेनीवाल को टिकट नहीं दिया। ऐसे में बरसिंह बेनीवाल को, अभय सिंह चौटाला को शिकस्त देने का गोल्डन चांस मिल गया और उन्होंने कप्तान मीनू बेनीवाल के वोट बैंक के बलबूते पर अभय सिंह चौटाला को धूल चटाने का काम कर दिया। अब विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के 40 दिन के बाद एलनाबाद में एक बार फिर से सियासी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। जहां एक तरफ अभय सिंह चौटाला ने हार के बाद एलनाबाद से मुंह फेर लिया है, वहीं टिकट नहीं मिलने के बाद मायूस हुए कप्तान मीनू बेनीवाल ने एक बार फिर से एक्टिव एंट्री एलनाबाद में कर ली है। एलनाबाद के आज के हालात क्या हैं, एलनाबाद में अभय सिंह चौटाला कहाँ खड़े हैं, एलनाबाद में अब मीनू बेनीवाल ने क्या नई शुरुआत की है, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को आप जरूर देखिए। अभय सिंह चौटाला को इस बार इस बात का बखूबी एहसास था कि वो विधानसभा चुनाव हार जाएंगे और इसलिए उन्होंने कप्तान मीनू बेनीवाल की टिकट कटवाने का काम किया। उनको लगता था कि वो बरसिंह बेनीवाल को एकदम से हरा देंगे, आसानी से परास्त कर देंगे, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि कप्तान मीनू बेनीवाल का वोट बैंक उनको टिकट नहीं मिलने के बाद और भी मुखर हो जाएगा और वो अभय सिंह चौटाला को हराने के लिए बरसिंह बेनीवाल के साथ में खड़ा हो जाएगा। यही हुआ और अभय सिंह चौटाला एलनाबाद में पहला चुनाव हार गए। अभय सिंह चौटाला को एलनाबाद की हार से बेहद गुस्सा है और उन्होंने इसीलिए पिछले 40 दिन में एलनाबाद की तरफ मुंह नहीं किया है, एलनाबाद की सुध नहीं ली है, वो एलनाबाद को भूल बैठे हैं। आज की तारीख में जहां अभय सिंह चौटाला चंडीगढ़ में अपनी पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग ले रहे थे, तो वहीं पर दूसरी तरफ एलनाबाद में 2029 के लिए एक नई सियासी शुरुआत होगी। अभय सिंह चौटाला अपनी पार्टी के संगठन को लेकर चंडीगढ़ में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन एलनाबाद में खिसक चुकी जमीन की तरफ उनका ध्यान नहीं था, क्योंकि चंडीगढ़ से 250 किलोमीटर दूर एलनाबाद में कप्तान मीनू बेनीवाल ने आज एक बार फिर से पॉजिटिव एंट्री के जरिए अपनी पॉजिटिव इमेज को और भी पक्का करने का काम किया। ढाणी ज्ञानदीप में मीनू बेनीवाल ने आज से 24 घंटे बिजली की सप्लाई शुरू करवाने का काम किया। ढाणी ज्ञानदीप में अभी तक सिर्फ 8 घंटे बिजली मिल रही थी, लेकिन कप्तान मीनू बेनीवाल के सहयोग से अब गांव को 24 घंटे रोशनी मिलेगी, बिजली मिलेगी और इसलिए आज के इस कार्यक्रम में मीनू बेनीवाल का धन्यवाद करने के लिए गांव के काफ़ी संख्या में लोग मौजूद थे। कप्तान मीनू बेनीवाल ने वो काम एलनाबाद में कर दिखाया है, ढाणी ज्ञानदीप के लिए वो सौगात देने का काम किया है जो अभय सिंह चौटाला ने 5 बार विधायक बनने के बावजूद नहीं देने की काम किया था। यानी अभय सिंह चौटाला जहां नेगेटिव पॉलिटिक्स से शिकार हो गए हैं, वहीं कप्तान मीनू बेनीवाल ने टिकट नहीं मिलने की टीस को दूर करते हुए एक बार फिर से अपने इलाके की सेवा करने की मुहिम शुरू कर दी है। यानी अभय सिंह चौटाला के लिए 2029 के लिए अभी से खतरे की घंटी बज गई है, क्योंकि कप्तान मीनू बेनीवाल अगर मैदान में टिके रहेंगे तो फिर वो अभय सिंह चौटाला को बरसिंह बेनीवाल से भी बड़ी शिकस्त देने का काम करेंगे। अभय सिंह चौटाला के लिए दिक्कत इस बात की है कि उनकी पार्टी का नामो निशान लगातार मिट रहा है, तो वहीं पर बीजेपी लगातार मजबूत हो रही है और बीजेपी के झंडे के नीचे कप्तान मीनू बेनीवाल एलनाबाद सीट के ऊपर सबसे बड़ी ताकत के तौर पर अभी से नजर आते हैं, क्योंकि कप्तान मीनू बेनीवाल 2024 के चुनाव में भी यहाँ जीत के सबसे प्रबल दावेदार थे, लेकिन सेटिंग के जरिए अभय सिंह चौटाला ने उनकी टिकट कटवाने का काम किया, लेकिन कप्तान की टिकट कटवाने के बावजूद भी अभय सिंह चौटाला चुनाव हार गए और पिछले 40 दिन से अभय सिंह चौटाला का कोई अता पता नहीं है और यही वजह है कि अभय सिंह चौटाला के लिए अब 2029 भी अभी से हार के सहम नजर आ रहा है। आप खुद ही देखिए कि कप्तान मीनू बेनीवाल के ढाणी ज्ञानदीप के कार्यक्रम में कैसा माहौल था, कितनी संख्या में लोग वहाँ मौजूद थे और इस मौके पर कप्तान मीनू बेनीवाल ने क्या कहा। Thank you.
काफ़ी दिनों से पेंडिंग थी, हमने उनको प्रॉमिस किया था यहाँ 8 घंटे की लाइट आती है। हमने 1.5 साल 2 साल पहले कहा था कि 24 घंटे की लाइट करेंगे, क्योंकि बच्चे, छोटे बच्चे, उस वक्त जब आया था बारिश का मौसम था, मच्छर बहुत थे, तो छोटे बच्चे काफ़ी परेशान थे, और बच्चियाँ जो लड़कियाँ हैं, लड़के बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, उनको पढ़ाई के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी। क्योंकि जमाल तो बाई चांस 24 आवर्स में है, क्योंकि हाँ हमने एक पहले छोटा पावर हाउस था, उसके बाद अपग्रेड करके उसमें 78 करोड़ रुपये यहाँ मंजूर करवा के उसको बड़ा पावर हाउस बना दिया था। लेकिन बाई चांस ढाणियाँ जो थी वो उसमें आती नहीं, गाँव की पैराफेरी से बाहर थी। तो हम सब ने मिल के, हमारे सोशल जो टीम है हमारी, उन्होंने मिल के अपना सारा पाई पाई जोड़ के इकट्ठा चंदा करके हमने और किसानों के लिए ये फैसिलिटी दी है। बीच में कुछ पॉलिटिकल अड़चन्स थी, पर कुछ परेशानियाँ ऐसी थी जिससे कि हम इसको नहीं कर पाए थे। चुनाव का माहौल था, तो जो चुनावी पॉलिटिक्स में जो लोग होते हैं वो थोड़ा सा अड़चन पैदा कर रहे थे, लेकिन अब चुनाव का दौर नहीं है, तो अब ये पूरा कर लिया। अभी आज से लाइट यहाँ शुरू हो गई है, और सबसे बड़ी बात कि पहला ये इंस्टांस है हरियाणा का जहाँ पे इतने बड़े लेवल पे दहानियों में जो लाइट लगी है वो गवर्नमेंट का, उसमें एक पैसा भी नहीं लिया हमने, और उसकी जो लाइन शुरू की है वहाँ गांव के सबसे जो बुज़ुर्ग लोग हैं उन्होंने उसका लाइन शुरू की। ये बहुत अच्छी बात है। नई सरकार के दिखाए हुए रास्ते पर हम चल रहे हैं। ये सरकार पुरानी सरकार है, रिपीट की है, बनी नहीं है। सरकार 2 बार पहले थी, तीसरी बार आई है, और उन्हीं के दिखाए रास्ते पर, जो उन्हीं की जो नीतियाँ हैं पार्टी की, उसी में सबको साथ लेके जो चलने की नीति है, जाति पाति को छोड़ के हर विकास, हर आदमी का, हर वर्ग का विकास करने, उसी के तहत ही है। सोशल वेलफेयर भी उसी के तहत ही करती है। अच्छा, कहाँ का? मेरे संज्ञान में नहीं है ये बात, मैं पता करता हूँ आज कहाँ किसने दिया। 26 जो कार्यकर्ता थे उन्होंने उनके, मुझे जानकारी मिली, मेरी जानकारी आपने बताया, मैं पता करता हूँ। आपने सुन लिया होगा कि कप्तान मिनी बनवाल पॉजिटिव कार्यों के लिए फिर से एक्टिव हो गए हैं। वो अपने वायदों को पूरा कर रहे हैं, उनको टिकट कटने का मलाल नहीं है, वो फिर से अपने पूरे पुराने अंदाज में अपनी कार्रवाई में जुट गए हैं, गांव की सेवा में जुट गए हैं, विकास के कार्यों में जुट गए हैं, और वो अब 2029 की तैयारी में अभी से लग गए हैं। यानी कप्तान मिनी बनवाल ने जहाँ पॉजिटिव पॉलिटिक्स की शुरुआत कर दी है, वहीं पर अभय सिंह चौटाला ने इलाहाबाद से मुंह फेर लिया है। यानी अभय सिंह चौटाला को इस बात का एहसास हो गया है कि 24 के हार के बाद वो 29 का चुनाव भी हार जाएंगे, इसलिए अब अभय सिंह चौटाला को इंटरेस्ट नहीं है इलाहाबाद के लिए, और इलाहाबाद की तरफ से उन्होंने मुंह फेर लिया है। यानी अभय सिंह चौटाला को अब 2029 के चुनाव में भी एक और हार के इंतजार में समय बिताना पड़ेगा, क्योंकि जो काम मिनू बेनीवाल ने पिछले 5 साल में कराए हैं उतने काम अभय सिंह चौटाला ने MLA होते हुए भी नहीं कराए, और अब वो हार का शिकार होने के बाद और भी ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं, उनकी रुचि इलाहाबाद में ख़त्म हो गई है। ऐसे में कप्तान मिनी बनवाल की पॉलिटिक्स पॉजिटिव तौर पर वहाँ जहाँ बसिंग चौटाला को आउट करने का काम करेगी, वहीं पर लोगों का एक बार फिर से पॉजिटिव मूड, पॉजिटिव सहयोग कप्तान मिनी बनवाल के साथ में खड़ा होना शुरू हो गया है। आप इलाहाबाद की पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। अभय सिंह चौटाला ने इलाहाबाद से मूव क्यों फेरा है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। कप्तान मिनू बेनीवाल का इलाहाबाद की पॉलिटिक्स में क्या भविष्य है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।